राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 137 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। 125 मीटर प्रत्येक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तथा एक दूसरे को पार करने में उन्हें 6 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बताएं। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बताना है ना। तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो चालें जुड़ जाएंगी, चाल ज़्यादा हो जाती है ना दोनों जब विपरीत रहती हैं। 5/18 इंटू में चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है ना। तो 5/18 इंटू में चाल, चाल दिए हैं, पहली रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, तो 65 प्लस दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, तो दूसरी की स्पीड हम एक्स मान लेंगे। एक्स ये देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और इधर सेकंड में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 5/18 से गुणा कराए हैं। दूरी रेल की दूरी कितनी है, रेल दिए 125 मीटर प्रत्येक समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई कितनी है 125 और 125, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 पहली रेलगाड़ी की लंबाई है और दूसरी की लंबाई 125 है, बटे में समय, समय ये दिए हैं 10 सेकंड, सॉरी समय 6 सेकंड दिए हैं, तो समय के स्थान पे 6 रखेंगे ना, तो 6 × 6 = 18 और इधर 125 और 125 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। तीन का गुणा हम 50 में कराएंगे तो 5 × 3 = 15, 150 आ जाएगा। 65 प्लस एक्स इक्वल टू 150, एक्स इक्वल टू 5 और 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो एक्स दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 85 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करता है। उसका भाई उससे 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूल से उसी रास्ते से चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है। स्कूटर की गति बताएं। तो स्कूटर की गति बतानी है ना, देखते हैं। तो यहाँ पे ये दिए है 10 बजे, एक लड़का है अपने घर से सुबह कितने बजे 10 बजे चलता है और 10 बजे से 1:30 बजे के बीच कितने कितने घंटे का अंतर है, 3.5 घंटे का अंतर है ना, 3 घंटा 30 मिनट का अंतर है। तो 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 3 × 6 = 18 = 180 मिनट 3 घंटे में, और 30 मिनट ये तो प्लस हो जाएगा 210 मिनट आ जाएगा ना। तो हम पहले यहाँ से समय का रेशियो निकालते हैं, तो T1 ratio T2, तो पहला टाइम दूसरा टाइम, तो पहला टाइम कितना आ गया 210 मिनट आ गया, 210 मिनट रेशियो। फिर दूसरा टाइम निकालेंगे, ये कह रहे हैं 1 घंटा, उसका भाई उससे 1 घंटा 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को 1 घंटा 15 मिनट ना, तो 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 1 hour 15 मिनट। तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट ये हो गए 1 hour का और 15 मिनट ये हो गए, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 इसमें से माइनस कर देंगे तो उसके दूसरे भाई का टाइम आ जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 × 10 = 3 = 1, 135 आ जाएगा। तो
तो दूसरी का समय 135 आ गया ना। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 नवा 27, 3 एक के 3 चौक 12, तो 14 और 9। तो दोनों का समय, पहले का टाइम 14 मिनट आ गया और दूसरे का 9 मिनट आ गया ना। तो समय का उल्टा चाल होता है ना। दोनों एक दूसरे के, देखिए रेसिप्रोकल है ना, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये हो जाएंगे चाल। ये किसका रेशियो आया है, ये तो समय का रेशियो आया है ना। फिर हम चाल का रेशियो निकालते हैं। चाल का रेशियो इसी का उल्टा होता है, तो 9:14 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं स्कूटर, एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले का कितना दिए हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं ना। एक घंटे में 12 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 9। एक घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है, तो 9 में हम कितने से गुणा करा दें कि 12 आ जाए, नहीं पता है। तो फिर हम 9 से भाग देते हैं, तो 3 3 का 9, 3 चौक 12। 4/3 से अगर इसमें हम गुणा करा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4/3 से इसमें भी गुणा कराएंगे, 4/3, तो 14 चौका 56/3 हो जाएगा ना। तो दूसरे की चाल, ये कह रहे हैं स्कूटर की गति बताएं, स्कूटर की गति निकालनी है ना। तो ये स्कूटर की गति आ गई, या फिर इसे 3 1 के 3 2 5 26 हो गया, 3 8 24, 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस वाला एक चोर को जो उससे 100 मीटर आगे है पकड़ना चालू करता है। यदि पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर तथा चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए तो बताएं कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। देखते हैं, तो पहले तो यहाँ से हम दोनों लोगों की चाल निकालते हैं, चोर की और पुलिस की। तो पुलिस की चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय। पुलिस की चाल, पुलिस की चाल इक्वल टू क्या, दूरी बटे समय। दूरी कितना दिए हैं, दूरी 8 मिनट, 1 किलोमीटर 8 मिनट में, 1 किलोमीटर 8 मिनट में ना। तो मिनट में है, इसे हमें आवर्स में चेंज करना है। क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे ना, 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 60 4 2 8, 4 1 के 4 5 20, 15/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। किसकी चाल, पुलिस की चाल आ गई। फिर चोर की चाल निकालते हैं, तो चोर की चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिए हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी दिए हैं, 10 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में, मिनट है ना, तो इसे हम आवर्स में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर जाएगा, तो 10 1 के 10 6 60। तो चोर की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना। और दोनों लोग, पुलिस और चोर दोनों लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ से चाल माइनस हो जाएगी ना। तो फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हाँ निकालना है हमें, पहले चोर की दूरी निकालना है। तो पहले यहाँ से हम टाइम निकालते हैं, समय नहीं पता है ना, तो निकालते हैं। तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, तो दोनों की चाल तो अब माइनस हो जाएगी ना, दोनों लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो 7.5 में से माइनस 6 × 5/18 इक्वल टू दूरी, दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी है, बटे में समय हो जाएगा, समय नहीं पता है। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा,
डेढ़ आ जाएगा। 7.5 में से 6 माइनस करेंगे तो डेढ़ आएगा, इंटू में 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 5 1 5, 5 2 10, 6 2 12, 12 2 24। तो टाइम कितना आ गया, टी इक्वल टू 240 सेकेंड आ गया ना, 240 सेकेंड आ गया। तो इसे हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 60 कर देंगे, 60 जीरो से जीरो, 6 4 24। तो ये टी इक्वल टू 4 मिनट आ गया। तो समय कितना आया, 4 मिनट आया। तो हमें यहाँ से दूरी निकाल दूरी निकालना है, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। तो चाल कितनी आई है, पुलिस की निकालनी, चोर की निकालनी है ना, तो चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू में समय कितना आया है, 4 मिनट आया है। तो 4 मिनट। अब यहाँ पे देखिए, घंटे से मिनट नहीं कटेगा ना, फिर मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे बटे में 60 हो जाएगा। तो 4 6 के 6 6 10 में 60, अब ये आवर्स में हो गया ना, तो आवर्स से आवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, तो दूरी इक्वल टू 2/5 आ गया, या फिर लो 4 किलोमीटर आ गया ना। तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 से जब गुणा करेंगे तो कितना मीटर आ जाएगा, 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दो रेलगाड़ियां समान दिशा में दौड़ रही हैं, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना, देखते हैं, तो 5/18 इंटू में चाल, तो दो रेलगाड़ी है ना, और दोनों समान दिशा में दौड़ रही हैं, तो चाल माइनस हो जाएंगी। पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इक्वल टू रेल की दूरी बतानी है, रेल की लंबाई नहीं पता है, तो हम आर मानेंगे, बटे में समय कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में पार कर रही है ना, तो 5 हो जाएगा। तो ये 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 2 9 18, 2 10 में 20, तो ये आ जाएगा 10 5 50, और ये 50 250/9 हो गई, 250/9 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 180 मीटर तथा 120 मीटर हैं, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, उनकी गतियां क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, मिलने के कितने सेकंड बाद वह एक दूसरे को पार करेंगी। तो यहाँ पे समय बताना है ना, समय नहीं पता है, तो देखते हैं, ये दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो चाले प्लस हो जाएंगी, 5/18 इंटू में पहली रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर है और दूसरे की 55 है, 65 प्लस 55, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो चालें जुड़ेंगी, इक्वल टू दूरी, दूरी कितनी है, दूरी दी है 180 मीटर और 120 मीटर, 180 प्लस 120 बटे में टाइम हो जाएगा, टाइम नहीं पता है ना, तो टी मानेंगे, तो 65 और 55 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 120 रखेंगे और 180 120 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ पे 300 लिखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 5 एक के 5, 5 छः 30, 6 एक के 6, 6 दूनी 12, 2 एक के 2, 2 नवा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो t इक्वल टू 9 सेकेंड, समय कितना आ गया 9 सेकेंड आ गया। तो 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार करेंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही हैं, यदि वे एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लें तो प्रत्येक की लंबाई मीटर में बताएं। तो लंबाई बतानी है ना, देखते हैं, तो इसमें भी हम 5/18 से गुणा कराएंगे ना, 5/18 इंटू में चाल, दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, तो पहले की चाल 60 है, दूसरे की चाल 90 है, तो 90 माइनस 60, जब भी समान दिशा में चलेंगी तो हम माइनस करेंगे चाल। दूरी दिए हैं, करीब दो समान लंबाई की रेलगाड़ी हैं, दो रेलगाड़ी हैं और दोनों की लंबाई कितनी है, समान है, एक्स इसकी है, एक्स इसकी है, एक्स प्लस एक्स बटे में समय दिए हैं 30 सेकेंड, 30 हो जाएगा, एक्स एक्स 2x होगा, 2x, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, तो 6 3 18, 6 5 30, 3 1 3, 3 10 में 30, 2 1 2 5 10, 50 25 5 125, एक्स इक्वल टू 125 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125 मीटर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 मीटर तथा 115 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं, दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। तो यहाँ पे समय बताना है ना, समय नहीं पता है, देखते हैं, तो यहाँ भी हम चाल में 5/18 से गुणा कराएंगे, 5/18 इंटू में चाल दिए हैं, कह रहे हैं 33 किलोमीटर प्रति घंटा और 39 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो हम प्लस करेंगे, इक्वल टू दूरी, दोनों ट्रेन की दूरी कितनी दिए हैं, एक की है 125, दूसरे की है 115, 125 प्लस 115 बटे में समय नहीं पता है, समय बताना है, तो 5/18 इंटू में 33 और 39 जोड़ेंगे, 9 3 12, 72 आ जाएगा, इक्वल टू 5 5 10, 3 4 और 2, 240 बटे में टाइम हो जाएगा, तो 18 1 18, 18 4 72, 4 1 4, 4 6 24, 5 1 5, 12 आ जाएगा, तो t इक्वल टू 12 सेकंड आ जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चोर डेढ़ बजे चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना चालू करता है, मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है, उसे कितने समय में पकड़ लेगा, देखते हैं। दिए हैं 40 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर है और दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, तो चालें माइनस हो जाएंगी, 50 माइनस 40 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं डेढ़ बजे चोर चोरी करता है और मालिक उसे कितने बजे पीछा कर रहा है, 2 बजे, तो 1:30 से 2 बजे के बीच कितने समय का अंतर है, आधे घंटे का अंतर है ना, तो एक घंटे में
एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है, एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? आधे घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा ना, तो यहाँ पे 20 बटे समय हो जाएगा। समय तो पता नहीं है, निकालना है। तो 50, 50 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। 10 इक्के 10, 10 दूना 20, तो t इक्वल टू 2 आवर्स। समय कितना आ गया? 2 घंटे का आ गया। तो ये कह रहे हैं 2 बजे उसका पीछा करते हैं तो उसे कितने समय में पकड़ लेंगे? 2 घंटे बाद पकड़ लेंगे। 2 बजे से 2 घंटा मतलब 4 बजे चोर को पकड़ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर तथा 95 मीटर हैं, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं, परंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चलें तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई देखते हैं। तो 5/18, 5/18 इंटू में चाल, चाल नहीं पता है और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो ये पहले रेलगाड़ी की लंबाई है एक्स और वाई, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई है पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, और दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे ना, इक्वल टू दूरी दिए हैं 100 मीटर, दूरी दिए हैं 195, 100 मीटर ये है और 95 मीटर दूसरी ट्रेन है, तो 195 हो जाएंगी। बटे में समय दिए हैं 27 सेकंड, 27 सेकंड में पार कर रही हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरी ट्रेन की निकालते हैं 5/18। अब ये तो समान दिशा में चल रही थी ना, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही थी, लेकिन अब क्या है, अब एक ट्रेन इधर चल रही है, दूसरी ट्रेन इधर चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तब हम यहाँ पे चालें प्लस करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू दूरी तो वही रहेगी, 195 बटे में समय कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर रही हैं, तो 9 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड आ गया ना। अगर हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से भाग दे देंगे तो यहाँ से दोनों की वैल्यू आ जाएगी। भाग देते हैं, 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा, 195 से 195 कैंसिल होगा, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 ऊपर जाएगा, फिर एक्स प्लस वाई बटे में एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 27 हो जाएगा, बटे में 27, तो 9 × 9, 9 × 3, 27। तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x, एक्स रेशियो वाई, तो ये आ जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। y देखिए माइनस में है ना, तो यहाँ इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का आधा कितना 1 हो जाएगा, तो ये रेशियो में है इसलिए हम यहाँ पे a और a मान लेते हैं ना, तो ये दोनों की गति बतानी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं एक्स और वाई की, तो 5/18 इंटू में एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 2a है, वाई की 1a है, 2a में से 1a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, इक्वल टू 195 बटे में 27, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15।
पाँच एक के पाँच, पाँच एक के पाँच तिहाई 15, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 13 दूनी 26 आ गया, ए इक्वल टू 26 आ गया। ए की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो 26 दूना 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5 52 रेशियो 26 आ गया ना। ये दोनों ट्रेनें की चालें आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल वाला पी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना चालू करता है तथा 30 मिनट बाद क्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है, वह कितने देर बाद पी को पकड़ लेगा। देखते हैं। दिए हैं एक मोटरसाइकिल वाला पी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना चालू करता है, 30 मिनट बाद क्यू 40 किलोमीटर की रफ्तार से उसका पीछा करता है। अब यहाँ पे दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, तो चालें यहाँ पे माइनस हो जाएंगी। तो 40 माइनस 30 इक्वल टू दूरी बटे समय। तो ये कह रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा। ये कह रहे 30 मिनट बाद क्यों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा कर रहा है। एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, 30 है, एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना 15 किलोमीटर जाएगा। तो दूरी के स्थान पे 15 बटे में समय हो जाएगा। 40 में से 30 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, 10 पाँच तिहाई 15, या फिर ऐसे ही रहने दें, तो t इक्वल टू 15 बटे में 10 या 1.5 आ गया समय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं, व्यक्ति की गति 4 सेकंड में पार कर लेती है, बताएं रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना, तो यहाँ पे 5/18 इंटू में चाल, ये कह रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। 84 किलोमीटर पहला है, दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 84 प्लस 6, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो दूरी को तो हम ऐसे ही लिखेंगे या आर लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। समय कितने सेकंड में पार कर रही है, 4 सेकंड में ना, तो समय के स्थान पे 4 रखेंगे, तो ये 84 और 6 90 हो जाएगा, तो 18 × 1 = 18 5 = 90, तो 5 × 20 = 20 × 5 = 100, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी दो स्थान एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो व्यक्ति क्रमशः ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, उनकी गतियाँ क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं ना, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे चालें जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम 5/18 से गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो और किलोमीटर में दूरी है, तो यहाँ पे चालें जुड़ जाएंगी। 4 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी की गति है और दूसरे की 6 है, तो 4 + 6 इक्वल टू दूरी दिए हैं 20 किलोमीटर, तो दूरी के स्थान पे 20 बटे में टाइम हो जाएगा, तो 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 20, तो t इक्वल टू 2 आवर्स, समय कितना आ गया 2 घंटा आ गया। तो ये कह रहे हैं 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, 7 बजे से चलना प्रारंभ कर रहा है, 2 घंटा लग रहा है, तो कितने बजे पहुँचेगा, 7 = 2 = 9 बजे पहुंच जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर सकती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना, और दोनों ही रेलगाड़ी की लंबाई समान है। एक्स मीटर पहली की है, एक्स मीटर दूसरे की है। 5/18 इंटू में चाल, दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। एक ही दिशा में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 46 - 36 इक्वल टू दूरी। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है तो एक्स प्लस एक्स बटे में समय कितना है, 36 सेकंड है, तो 36 हो जाएगा। 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36। एक्स ये कितना हो जाएगा, 2x होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। 46 में से 36 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बचे 50।